सदन के शिष्टाचार को आप भी सीखिए और तब बात करिए। देखिए ये गर्मी यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये गर्मी मत दिखाइए यहाँ पे, इसीलिए बोला जा रहा है ये सदन है, सदन की मर्यादा का पालन करिए। जिस भाषा को समझते हैं और जो जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में जवाब भी देंगे। बहुत अच्छे ढंग से किसान 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 की बात जितनी, कैसे लोग कैसे गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। और अन्नदाता किसानों के बारे में तो सरकार के मन में काफी सम्मान का भाव है, हम लोगों ने इसको पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। हम लोगों का यह मानना है किसान हमारा अन्नदाता है, उसका हर हाल में सम्मान होना चाहिए। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, आजादी के बाद ईमानदारी के साथ भारत के अन्नदाता किसानों को एमएसपी का लाभ अगर किसी ने दिलाया तो प्रधानमंत्री मोदी जी। और अगर उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखनी है, इसमें समाजवादी पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी भी, कांग्रेस भी, मेरी बात सुनो ना, लाठा जी बैठिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। पहले पूरी बात सुन लीजिए लाठा जी, बैठिए लाठा जी, 1000 रुपए में धान बिक रहा है। मेरी बात बैठिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अरे भाई लाठा जी बैठ जाइए, एक अपने घर की चीज को यहाँ पे मत उतारिए, सावधानी होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से आप अपनी बात को यहाँ पे रख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी बात को सुन रहे हैं, सुनेंगे भी। मैं परसों भी आया था इसलिए सुनने के लिए। इससे पहले देखिए, मीठी बात सुनने के लिए उस प्रकार से व्यक्ति को बैठना ही पड़ेगा, बैठे ना। मैं जानता हूं आप लोग किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की बात सुनते हैं और उसी प्रकार का डोज भी समय समय पे देता हूं, चिंता आपका नाम बैठ जाइए, यथा नाम तथा काम करिए। भी नाम उत्तम है, काम गलत क्यों कर रहे हैं? उत्तम बार बार ठीक कर दूंगा, डोज दे दूंगा, ये इसीलिए मैंने कहा ना, भाषा नहीं भाई आप ये, इसीलिए मैंने कहा बैठिए सुन लीजिए, ये सदन है, पहले सदन के शिष्टाचार को आप भी सीखिए और तब बात करिए। बात करने की एक आदत डालनी चाहिए, इस चीज को एक बार देखना चाहिए। अच्छा बैठिए उदयवीर सिंह जी, उदयवीर सिंह जी बैठिए, राठौर जी बैठिए। देखिए ये गर्मी यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये गर्मी मत दिखाइए यहाँ पे, इसीलिए बोला जा रहा है ये सदन है, सदन की मर्यादा का पालन करिए और पालन करना सीखिए, इसीलिए सीखिए। बैठिए बैठिए राठौर जी बैठिए, माननीय नेता विरोधी दल अपने सामान्य सामान्य सदन के शिष्टाचार को भी सीखिए, बैठ जाइए आप, इसीलिए आप बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठिए। मैं जानता हूँ नहीं गलत बोली, जिस भाषा को समझते हैं और जो जिस भाषा को समझेगा उसको उस भाषा में जवाब भी देंगे। बहुत अच्छे ढंग से बैठिए, आप बैठिए, सुनने की आदत भी डालिए। अगर बोलते हैं तो सुनने की आदत भी डालिए। अपने आसमान में ना टोका टोकी मत करिए, राठौर जी रोक रहे हैं आपको, बार बार आप खड़े हो जा रहे हैं, यह आचरण अच्छा नहीं है, ये अच्छा आचरण नहीं है सभापति जी। नहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे सुनने की आदत तो डालिए, वही करते हैं, वही आपके सदस्य करते हैं, फिर आप नहीं बैठ जाइए। अरे मैं तो सुनिए ना, हाँ तो चुप होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए। सदन
शांत होकर बैठिए, आप शांत होकर बैठिए, शांत होकर बैठिए, आप शांत होकर बैठिए, आप शांत होकर बैठिए तब सुनाई देगा। नहीं नहीं, आप टोका टोकी नहीं कर सकते, टोका टोकी की अनुमति नहीं दी जा सकती। आए हैं आप, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। मैं जानता हूँ, बैठ जाइए, ये मत समझाइए, ये मत समझाइए। जिस तरीके से बोल रहे हैं आप लोग, जिस तरीके से बोल रहे हैं, देखिए उत्तेजना दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें कोई उत्तेजना दिखाने की आवश्यकता नहीं। बहुत साफ तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सुन लीजिए। जब आपकी बारी आएगी तो अपनी बात को बोलिए। इस चीज को चेयर तय करेगा, इसलिए हम कह रहे हैं ना, शांति से थोड़ा सुनने की आदत भी डालिए।